बिहार में इस वक्त सियासी हलचल काफी तेज है, जहां फ्लोर टेस्ट से पहले तमाम खेल जारी है और पटना में आरजेडी की बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को उनके ही आवास पर रुकने के लिए कहा, यानी कि तेजस्वी यादव के आवास पर। अब खबर है कि तेजस्वी के आवास पर फ्लोर टेस्ट तक सभी विधायक रुकेंगे। पटना में तेजस्वी के घर के बाहर हलचल काफी तेज है और विधायकों के सामान भी पहुंचाए जा रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार और बीजेपी भी आगे की रणनीति पर मंथन कर रही है और प्रशिक्षण शिविर भी है इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के। और जेडीयू के लंच में नहीं पहुंचे पांच विधायक, ये भी खबर सूत्र बता रहे हैं। अब कल मंत्री श्रवण कुमार की जो उड़ती हुई खबरें आई उनको लेकर भी 16 जो विधायक हैं अभी हैदराबाद में कांग्रेस के, वो डेरा जमाए हुए हैं। वहीं कल सीपीआई एमएल विधायक महबूब आलम से मिले जीतनराम मांझी, ये भी खबर है। तो आज गया में प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। शक्ति परीक्षण से पहले गया में बीजेपी विधायक और श्रवण कुमार के आवास पर लंच हुआ, लेकिन अभी क्या हलचल है इसको लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट आप सभी तक हम रख रहे हैं। देखिए, बिहार की सियासत के लिए कल यानी 12 फरवरी का दिन बड़ा है। 12 फरवरी को विधानसभा में नई एनडीए सरकार को विश्वास मत हासिल करना है, लेकिन उसके ठीक पहले देखिए तेजस्वी यादव पे जो विधायकों को रखा गया है वो क्या उनके लिए इंतजाम है। और ये देखिए फ्रूट्स जो है, पता नहीं मुझे नहीं पता, बस दो चीजें भी हैं जो अंदर जिनको रखा गया। कल दोपहर बाद तेजस्वी यादव के इसी पांच देश रत्न मार्ग स्थित आवास पर जो विधायकों की बैठक है वो बुलाई गई थी। तमाम विधायक यहां पहुंचे और बाद में उनको कहा गया कि रात यहीं गुजारनी होगी और उसके बाद से रात भर विधायक यहीं पे रुके हैं। जो लेफ्ट के विधायक है वो भी यहीं कैंप कर रहे हैं और सुबह से विधायकों को जो चाय है वो दी गई है और अब देखिए फल जो है वो लाया गया है उनको। और ये विधायक तब तक रुकेंगे यहाँ पे जब तक जो विधानसभा का फ्लोर टेस्ट का वक्त है वो जो सामने नहीं आ जाता है। तेजस्वी यादव अपने तमाम विधायकों को एकजुट रखना चाहते हैं और साथ ही साथ जो वाम दलों के विधायक हैं, महागठबंधन में जो सहयोगी दल है उन विधायकों को भी यहीं रखा गया है। खबर ये सामने आ रही है कि कांग्रेस के विधायक भी आज पटना पहुंच जाएंगे जो हैदराबाद के दौरे पर हैं और तमाम विधायकों को एक साथ रखा जा रहा है। जो तेजस्वी यादव का इस सरकारी आवास से इस आवास पर विधायकों ने अपनी रात गुजारी है, हर तरह का इंतजाम विधायकों के लिए आवास के अंदर किया गया है। अब विधायकों को यहां से कब तक निकाला जाएगा इसको लेके बहुत क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जब तक विधानसभा की बैठक का वक्त नहीं आएगा 12 फरवरी को तब तक सभी विधायक यहीं रहेंगे। सहयोगी कैमरा पर्सन अदीम आलम के साथ शशिभूषण, आज तक पटना।